दादा वन टू थ्री कितना चैलेंजिंग रहा इतनी कम्युनिटीज को एक साथ लाना? सबसे पहले तो मुझे लोगों का शुक्रिया अदा करना पड़ेगा. आज आप देख रहे हो कि सुबह से इतनी सारी मूसलधार बारिश होने के बावजूद भी ये लोगों का प्यार है और यकीन है मुझ में कि यकीनन ये कॉज जो होने जा रहा है ये बहुत ही नोबल कॉज है जो समाज के लिए इसकी बहुत जरूरत है. सर क्या पर्पस था जब आपने सोचा कि ये इको वॉक आप ऑर्गेनाइज करेंगे इतनी कम्युनिटीज को साथ लाना उनका रिस्पांस यू नो वी सी एवरीथिंग बीइंग कॉल्ड फ्रॉम ऑल अराउंड क्या कहेंगे? देखिए हमेशा हम लोग हर साल मानसून में ये कोशिश करते हैं कि कॉलेज के बच्चों में एनएसएस के बच्चों में समाज में किस तरह से हम लोगों में एक लोगों में जागरूकता लाए जिस तरह से दे टेक केयर ऑफ देयर एनवायरनमेंट. तो ये उद्देश्य ध्यान में रखते हुए हमने ये एनवायरनमेंटल रैली ऑर्गेनाइज की. और सिर्फ ये एनवायरनमेंटल रैली इस साल ही नहीं हम लोग हर साल ऐसी रैली ऑर्गेनाइज करते हैं. बहुत मुश्किल होता है इतनी कम्युनिटीज को साथ लाना और ऐसा आज की डेट में स्पेशली आफ्टर कोविड इतने लोगों को साथ देना. क्या रिस्पांस मिला आपको यू नो फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस? आज आप देख रहे हैं इतनी तादाद में इतने बच्चे इतनी सामाजिक संस्था इतनी लोग जमा हुए हैं तो यकीनन उन्हें यकीन है क्योंकि एनी ऑर्गेनाइजेशन विच वर्क्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल सेल्फलेसली मुझे लगता है लोग अपने आप ही उसके साथ जुड़ जाते हैं. सैपलिंग भी है सबके हाथ में आज प्लांटेशन भी होने वाला चलते चलते क्या रूट रहेगा? देखिए आज हम लोग मॉडल टाउन से शुरू करेंगे और जैसे हम लोग सात बंगला में रमा पाटिल उद्यान है गार्डन है वहाँ पे बीएमसी के अधिकारी इंक्लूडिंग द वार्ड ऑफिसर वो अपने हाथों से आके सैपलिंग्स प्लांट करेंगे. तो ये सेकेंड फेज ऑफ द रैली है. जैसे आपने देखा आज एक अवेयरनेस रैली बच्चों के द्वारा लोगों के द्वारा जन जागरूकता हम लोग कर रहे हैं. इसके बाद लास्ट में जब हम कल्मिनेट करेंगे तो 10 ऐसे से लोगों को फेलिसिट करने वाले हैं जो सामाजिक कामों से जुड़े हैं और स्पेशली एनवायरनमेंट से जुड़े हैं. तो उनके लिए सयाजी शिंदे जो नोटेड फिल्म एक्टर है और एनवायरमेंटलिस्ट है उन्होंने वो आ रहे हैं क्योंकि मेरे को लगता है उनसे अच्छे चीफ गेस्ट कोई नहीं हो सकते थे इस ओकेजन के लिए. आज इस रैली में मेरे साथ मुंबई डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जुड़ी हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई जुड़ी है बीएमसी जुड़ी है. तो आप और इतने बच्चे इतनी तादाद में लोग जुड़े हैं तो आपके माध्यम से हम सबका आभार मानना चाहेंगे. I think the message is very clear. As we are saying, we are heading towards global warming. I would say it is not global warming, it's global warning. People should understand and take care of the environment. Plant more trees, take care of the trees, and I think say no to plastic. Sir, ऐसे time पे आप कर रहे हैं अभी global warming का दिखने लगा है. दिल्ली में बाढ़ है कई स्टेट में बाढ़ आ गई है आज पटना में भी आ गई. क्या कहना चाहिए उसके बारे में? आज आप देखेंगे कि हम लोग हर जगह देख रहे हैं पूरे देश में इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होने जा रहा है. तो इस इकोलॉजिकल इम्बैलेंस को संभालने के लिए जो आज हमारी यूथ है यकीनन वो बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करेंगे. इनिशिएटिव है साथ में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन साथ दे रहे और ये रैली चलते चलते बहुत बड़ी हो जाएगी और जो हमने मकसद सोचा है पूरा होगा. 100% उससे ज़्यादा ही आएंगे. बहुत सारे कॉलेजेस बहुत सारी संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी हुई है और बारिश का सीजन देखते हुए भी आज आप देख रहे हैं कि भीड़ कितने तादाद में यहाँ आई हुई है और ये और बढ़ेगी. थैंक यू सर. समभाव यानी हम सब एक हैं और जब हम सब एक हैं तो हम सब मिलकर क्यों ना समाज के हित की बात करें और आज ये आप लोगों ने देखा. उसके साथ साथ पूरे मुंबई शहर के बहुत सारे सामाजिक संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी बहुत सारी संस्थाएं एनएसएस सेल के बच्चे हमारे साथ जुड़े रहे जिन्होंने इतनी बड़ी तादाद में आज आपने देखा सुबह सुबह थोड़ा सा मुझे डर लगने लगा कि आज इतनी बारिश हो रही है सुबह से पता नहीं लोगों का सहभाग होगा नहीं होगा. लेकिन आप यकीन जानिए कि हमारे शब्दों का मान रखते हुए आज भीगते हुए मौसम में हजारों हजारों की तादाद में इतने लोग हमारे बीच मौजूद हुए और ये पूरे प्रोग्राम का श्रेय सिर्फ आप लोगों को जाता है. ये श्रेय आप सब लोगों को जाता है. ये प्रोग्राम आज इसलिए सक्सेसफुल हो पाया क्योंकि आज आप सब लोगों की उपस्थिति थी.
आज हमारे बीच सबसे पहले तो हम मुबारकबाद और गुड विशेस देना चाहेंगे हमारे आज के गेस्ट को, आज पृथ्वीराज चौहान साहब असिस्टेंट म्यूनिसिपल कमिश्नर के वेस्ट वार्ड, उनका जन्मदिन है और जहां तक मुझे पता है कि उनका योगदान इस इलाके Mr. Sayaji, City of Maharashtra. As a token of gratitude and round lot of applause to our honorable guest, he is not only an actor but an actor in true sense. जोरदार ताली होनी चाहिए, सम्मानित किया जा रहा है। वाकई बड़े गर्व और खुशी की बात है कि हमारे पूरे केवीएस वार्ड के लोग, जितने लोग मौजूद हैं, सभी की तरफ से ये सम्मान। बदलाव लाऊंगा, मैं ये भी वचन देता हूं कि अपने परिवार, मित्रों और अन्य लोगों को पर्यावरण के अनुकूल आदतों और व्यवहारों के महत्व के विषय में सतत रूप से प्रेरित करूंगा। क्या बात है। In Cosmopolitan Education Society, Ajit Balan sir, Secretary, Cosmopolitan Education Society. अतिशय उल्लेखनीय असं काम ते जनजागृतीचं करत आहेत, जेणेकरून पर्यावरण आपण वाचवलं पाहिजे। नक्कीच आपल्या कॉलेजमधून हजारो विद्यार्थी असे घडवत जे पर्यावरण मंचा कार्यक्रमावाला मला बोलवलं आणि इथं चांगला इव्हेंट होतो मी पाहिलं आणि त्याबद्दल त्यांचं अभिनंदन। आणि आता इतका मंच बरोबर काही बोलताना किंवा इथल्या लोकांबरोबर बोलताना काही गोष्टी स्पष्टच पूर्ण जाऊ द्या असं एकदा बोलून टाकलेल्या बऱ्या वाटतात मला। आणि शहरामध्ये झाडं कमी लागतात आणि ट्रॅफिक जास्त लागतो हे आपण बघतोच आहे। आणि शहरामधले माणसं झाडांबद्दल जास्त बोलतात आणि प्रत्यक्षात काही करत नाहीत ही प्रॅक्टिकल फॅक्ट आहे, आपण जर नीट बघितलं तर। हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे। मला असं वाटतं की या निमित्तानं असा मुद्द्याचा विषय घेतला आपण, तर पहिला समजा शाळेचा विषय घेतला तर शाळेमधल्या विद्यार्थ्यांनी इथली शाळा जास्त चांगलं काम करते असं ऐकलं, तर मला असं वाटलं की प्रत्येक विद्यार्थ्याला दरवर्षी बुटांसाठी, टायसाठी, शर्टासाठी, वयांसाठी जेवढा खर्च होतो तेवढा दरवर्षी एका झाडासाठी जर त्यांनी गोळा केला आणि मग म्हणालो आम्ही कुठे लावायची, मग म्हणालो आम्ही ती वाढवायची कशी आणि मग सांभाळायची कशी, सह्याद्री देवळाच्या वतीने मी तुम्हाला सांगतो त्याची जबाबदारी आम्ही घेऊ। तुम्ही ठरवा की बाबा या 50 आहेत ते 50,000 विद्यार्थी किती पण असू दे, महाराष्ट्रात त्याच्यासाठी जागा कुठे आहे, ती देशी झाडं का असली पाहिजे, ती वाढवली कशी पाहिजे, याला क्यूआर कोड कसा असला पाहिजे, ती दरवर्षी बक्का कशी आली पाहिजे आणि 10वी 12वीला त्याला त्याची मार्क पण कशी देता येतील, इतपर्यंतची सिस्टीम आज मी तुम्हाला लावून देऊ शकतो। आमचे सचिन चंदरे महाराज, त्यांच्यासाठी एकदा टाळ्या वाजवा, महाराष्ट्रात ते काम करतात, त्यांचा नंबर घेऊन ठेवा, त्यांच्या शाळेत एक मीटिंग करा आणि तुम्ही ठरवा की एवढी झाडं आम्ही विद्यार्थ्यांची लावून पाहिजे, तुम्हाला दरवर्षी ती रोपं कुठे दाखवायची, किती लागली, लंचपासून कशी तयार करायची,
असा एक प्रयोग आम्ही रयत शिक्षण संस्थेमध्ये 750 शाळा आहेत त्याच्यामध्ये सुरुवात करतोय. खरं म्हणजे देवेंद्र फडणवीस जेव्हा मुख्यमंत्री होते तेव्हा मी त्यांना सांगितलं होतं, जेव्हा विद्यार्थी शाळेत ॲडमिशन घेत तेव्हा तुम्ही जन्मतारखेचा दाखला बघितल्याशिवाय त्याला ॲडमिशन देत नाही, तसंच त्याला एक देशी झाडाचं बी आणल्याशिवाय ॲडमिशन देऊ नका. आई वडिलांना सगळं करता येतं तर एक बी पण देता येईल त्या मुलासाठी, आणि मग ती तेवढी बिया गोळा करा, त्याची रोपं कशी बनवायची ते आपण ठरवूया, त्याची सिस्टीम आपण देऊया, मग ती रोपं वाढवायची कशी आणि शेवटपर्यंत वाढवायची कशी, 12वीपर्यंत 10वीपर्यंत कशी वाढवायची त्याची सिस्टीम तुम्ही लावून देऊ एवढं मला सांगायचं आहे. दुसरी गोष्ट, एकता मंच आपण इव्हेंट मोठेच घेता, मला असं वाटतं की शहरामध्ये झाडं लागणं मुश्किल आहे, वाढवणं अजूनच मुश्किल आहे. शहरामधले लोक म्हणजे आत्ता आपण ज्या हॉलमध्ये बसतोय हे पर्यावरणाचा कम्प्लीट विरोध जे काही चाललंय ते आपली जगण्याची स्टाईल आहे. आपण जिथं राहतो तिथे आपण वापरणारं पाणी, आपण वापरणारं एसी, आपण वापरणारी हवा ही सगळी पर्यावरणाला योग्य नाही. म्हणजे आता कसं माणसाची संख्या जास्त झाली तर आपण करणार काय, अशा अवस्थेत आपण जगतो आहोत. मला असं वाटतं की तुम्ही ठरवा एकता मंच दे, जर आपलं चांगलं रिलेशन राहावं वाटत असेल. महाराष्ट्रात 40 ठिकाणी आपण काम करतोय, महाराष्ट्रात 40,000 गाव आहे, महाराष्ट्रात 40,000 गावांमधल्या 30,000 गावांना गायरण आहे, ती ओस पडली, मोकळ्या जागा भयंकर आहे, आणि तिथं टक्केवारीमध्ये कमी पैसे असलेले पण जास्त काम करू शकणारी माणसं खेडेगावात जास्त आहेत, शहरामध्ये नाही. ज्या ज्या बिल्डिंगमध्ये 50,000 रुपयाच्या वरती मेंटेनन्स दिला जातो आणि 5 माणसं कामाला असतात, तिथला माणूस 10,000 झाडासाठी वेगळे काढून देत नाही. ही प्रॅक्टिकल गोष्ट आहे. बोलायला मात्र तो भयंकर जोरजोरात बोलतो पर्यावरणाविषयी, पण प्रॅक्टिकली जेव्हा गोष्ट येते तेव्हा ती गोष्ट तशी होत नाही. हे लक्षात घेता आपण जर एकता मंच तुमचं जर एवढं चांगलं काम आहे तर मला असं वाटतं की तुम्ही ठरवा की दरवर्षी 5,000 झाडाची जबाबदारी तुम्ही आमच्याबरोबर घ्या, कॉलॅबोरेशन करा, की आपण हर साल अगर आपने सोचा की 5,000 पेड़ एकता मंच के लोगों को लगता है सहयद निर्णय के साथ काम करना है, तो 5,000 पेड़ का अपन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मेमो ही करते हैं. 5,000 पेड़ में देशी पेड़ होना चाहिए, तो देशी पेड़ कैसा लगेगा, इधर लगेगा, उसका हर साल कितना बढ़ जाएगा, उसके लिए कितना खर्चा आएगा वो हम लोग दिखा सकते हैं. उतना सिस्टम, उतना प्यार पेड़ के साथ, पेड़ के साथ काम करने वाले लोगों के साथ हमारा रिलेशन बन गया है, तो हम लोग ज़्यादा बात नहीं करके हम लोग ज़्यादा काम करेंगे. इसलिए मैंने सोचा रैली के लिए मुझे नहीं जाना है, मुझे जाना है इन लोगों को मिलने के लिए. रैली इधर बहुत होती है, फोटो बहुत होते हैं. ये जो लोग हैं ना मीडिया के लोग, अभी 2,000 पेड़ लगाए हम लोग गाँव में, ऐसे 25 गाँव में पेड़ लगाने का प्लान है, 2,000. उसके लिए हम लोग इकट्ठा खुद से पैसा इकट्ठा करते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास मीडिया इतना नहीं है. इधर देखो एक पेड़ 10 पेड़ लगाए गए, रैली में कितना पेड़ लगाया होगा, अगले साल कितना दिखेगा मुझे मालूम नहीं. इधर लेकिन आप बुलाइए, आएंगे सब लोग, आएंगे ना. यस, तो ये सब ध्यान देना है, क्योंकि अब देखो 15 अगस्त है, वो मैं सोच रहा हूँ कि महाराष्ट्र में हर गांव में मिनिमम 1,000 पेड़ अगर लगेंगे, क्योंकि उधर जगह है, उनके पास पानी है, 1,000 पेड़ लग जाएंगे हर गाँव में. उसमें समझो कि 200 इमली लगेगा, 200 आंवला लगेगा, 200 जामुन लगेगा, तो वो गांव को समझो हर इमली का पेड़ 5 साल के बाद या 10 साल के बाद 10,000 से 20,000 रुपए देता है. तो 200 पेड़ आता है तो 20 लाख मिलते, 500 पेड़ आता है तो 50 लाख आते हैं. तो इतना सिंपल सिस्टम है, ये 70 ईयर से हम लोग क्यों नहीं यूज कर रहे हैं. नौकरी के पीछे, एजुकेशन के पीछे कुछ नहीं होता, बड़ा बनता है. अगर कोई एक्टर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई कलेक्टर बनता है, तो वो क्या करता है, एक बंगला लेता है, और एक गाड़ी लेता है, और एक गाड़ी लेता है, और एक बंगला लेता है, और फिर दूसरी जगह पे बैंक में पैसा डालता है. तो क्या होता है, वो कभी लगता है कि मेरी जितनी लाइफ है, मेरा जितना एज है, उतना एज की इतना मैं अगर पेड़ लगाऊँ तो काफ़ी है ना. तुम क्यों जी रहे हो, रात को सोते हो तो तुम क्यों उठ रहे हो, तुमको कौन हो वो भूल जाते हैं. कभी सो जाते हो और उठ जाने के बाद पता चलता है कि मैं हूँ. तो ये रात को कौन जगाता है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को कहाँ से आता है. तो पेड़ के लिए इतना तो रहना चाहिए कि मैं इतना काम करूँ. तो मुझे लगता है कि अगर इतना, मुझे क्या है ना, इधर सीखने की कम और सिखाने की लोगों को ज़्यादा इच्छा होती है, तो मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ. लेकिन मैंने जब बोला कि प्रैक्टिकल अगर करेंगे एकता मंच,
हर साल 5,000 पेड़, तो मुझे याद आने की खुशी होगी हर साल एक गांव में आपकी तरफ से 5,000 पेड़ लगाए जाएंगे। उसके लिए सचिन के साथ नंबर ले लो, इसीलिए मेरे जो परिवार रहता है उसको बोला चल मुझे इधर लेक्चर देने के लिए जाना नहीं, अगर जाके कुछ काम करते हैं। ये शहर में प्रोग्राम ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं। मैं देखता हूँ आर्य कॉलोनी में 5,000 पेड़ का नर्सरी बनाना था, 5 साल के बाद भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उधर ये ऑफिस पे जाओ, फिर ये ऑफिस पे जाओ, ये टेबल पे जाओ, फिर वो टेबल पे जाओ, फिर बोलते हैं वो दिल्ली जाना पड़ेगा, इंडस्ट्रियल स्टोरी पेड़ लगाने के चक्कर में कुछ नहीं होता। और देशी पेड़ आज भी ये सर को मैंने बोला, ये प्रदेश साहब है, उनके साथ भी मैं बहुत काम कर रहा हूँ। तो मैंने उनको बोला अभी इधर पौधे नहीं ज्यादा बनते, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो या म्यूनसिपैलिटी हो, हर शहर का उद्यान डिपार्टमेंट सबसे वीक उद्यान डिपार्टमेंट है। मैं प्रूव करूंगा, हर शहर में काम करता हूँ, वो उद्यान डिपार्टमेंट के ऊपर उतना काम नहीं हो सकता जितना बाकी डिपार्टमेंट। चलो वो चक्कर में नहीं जाते अपन, कौन बुरा कौन अच्छा इसमें, लेकिन प्रैक्टिकली अच्छा कौन सा होता है। तो मैंने इनसे बात किया अभी कि हम लोग वृक्ष प्रसाद योजना शुरू किया है, तो सिद्धिविनायक जैसे टेम्पल में भी रूल ऐसा है कि वो पौधा एज अ प्रसाद करके देना है, जो लोग अभिषेक करते हैं उनको एक पौधा गिफ्ट दिया जाए सिद्धिविनायक की तरफ से। तो वो जो भाविक आता है, जो भक्त आता है, वो पौधा लगाएगा ना, क्योंकि वो प्रसाद है, प्रसाद तो नहीं फेंक देता है। लेकिन उसके लिए ना सिद्धिविनायक के लोग पैसा देने के लिए तैयार है, ना म्यूनसिपैलिटी तैयार है, लेकिन अभी चाहे तैयार होंगे बोले ये देते हैं वो उतना। अगर कॉन्ट्रीब्यूशन आता है तो क्या होता है, हमको बाहर से लाना पड़ता है सब। लेकिन हर मंदिर में अभी मैं जो भी अभी देवेंद्र फडणवीस साहब के साथ है शायद ये उनके जाके मिलके महाराष्ट्र के सभी मंदिर में अगर ये वृक्ष प्रसाद योजना शुरू होता है, जो भक्त आते हैं उसमें से जो अभिषेक करते हैं उनको अगर ये पौधा दिया जाए, प्रसाद करके दिया जाए, तो महाराष्ट्र में अच्छे पेड़ लगेंगे, देशी पेड़ लगेंगे। तो ये दो तीन चीज़ें हैं, फूल की चीज़ है, वृक्ष प्रसाद की चीज़ है, और हम लोग जो काम करने वाले लोग हैं वो प्रैक्टिकली अच्छा काम करेंगे, इवेंट कम करेंगे, पेड़ों का बर्थडे करेंगे, हर साल 5,000 पेड़ लगाएंगे तो उसका बर्थडे करेंगे और आगे जाएंगे। ज्यादा ही बोल दिया, धन्यवाद। आज डिस्पाइट रेन्स क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो हम सभी संस्थाओं का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, जैसे मुंबई लीगल डिस्ट्रिक्ट सर्विसेज अथॉरिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, बृहन मुंबई महानगर पालिका के वेस्ट बोर्ड, और सभी सामाजिक संस्थाओं का, NSS के बच्चों का, जो अलग अलग कॉलेजों से इतनी संख्या में उन्होंने अपनी उपस्थिति दिखाई। सबसे पहले तो इतनी भारी वर्षा हो रही थी, आज आपको पता है सुबह से इतनी वर्षा हो रही थी, ये लोगों का प्यार था, लोगों की कमिटमेंट थी सोशल काम के लिए, इसलिए इतनी तादाद में लोग उपस्थित हुए। नहीं, इको को वॉरियर ये इवेंट के लिए दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए, शहर में सिस्टम चेंज होना चाहिए, शहर का जो प्रैक्टिकल किधर हो सकता है इसका काम, क्योंकि इवेंट ये क्या होता है ना, जून जुलाई अगस्त ये इवेंट बहुत होते हैं, फिर उसको कोई भूलता नहीं, याद नहीं रखता, फिर अगले साल फिर ऐसे इवेंट चलते हैं। तो इको वॉरियर ऐसे बनना चाहिए, इसलिए सीड बैंक होना चाहिए, इसलिए वृक्ष बैंक जिसको पौधा होता है वो होना चाहिए, फिर उसके बाद देवराई बड़ा पेड़ होना चाहिए, तो ये सब होने के बाद पक्का वॉरियर होगा पर्यावरण। अजय सर का जो इनिशिएटिव है बहुत दिल से करते हैं, आज इतने लोग जुड़े हैं, तो जज्बे के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, इनका इनके बारे में सुना इसलिए तो मैं आया कि इनको बहुत दिल से प्यार करते हैं, बहुत ध्यान देते हैं, इसीलिए तो मैं सैयद दोहरा के साथ जुड़ने के लिए बोला, ताकि हम लोग पेड़ का बर्थडे करने जाएंगे तो दिखेगा स्कूल के बच्चों को, अगर हर बच्चा बड़ा हो जाएगा और उसके नाम का उसको खुद पेड़ देखने को मिलेगा, तभी लगेगा कि ये ओरियन, तो हम लोग ऐसा करेंगे। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और सुनील साहब का जो काम देख के ऐसा लगता है कि हम जो इनिशिएटिव लिए बहुत उनके सामने बहुत छोटे हैं, हमें बहुत खुशी होगी कि उनके साथ जुड़ कर उनका जो इनिशिएटिव उसमें भी हम पार्टिसिपेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़। अच्छा सर, जब इतनी कम्युनिटीज, इतनी ऑर्गेनाइजेशन आपने अप्रोच किया उनको, उनको पार्टिसिपेशन के लिए इन्वाइट किया, एवरीबडी, क्या रिस्पॉन्स रहा,
बहुत कम देखने को मिलता है या ऐसी रैलीज आप स्पेशली कोविड के बाद नहीं हुई है, तो आपका क्या खुद के क्या इमोशन रहे जब आपने देखा कि उनका रिस्पॉन्स क्या था? जैसे आज आपने देखा कि 5,000 से 7,000 लोगों के करीब इस रैली में लोग उपस्थित हुए थे। कहने का मतलब क्या है कि कोविड के वक्त पे भी हमने एक बहुत बड़ी रैली आयोजित की थी। उस वक्त हमने डॉक्टरों को और जिन लोगों ने कोविड में योगदान दिया था, ऐसे कोविड वॉरियर्स को हमने फेलिसिटेट किया था। तो समाज का हर हिस्सा, हर अंग ये जानता है कि जब जब एकता मंच ने काम किया वो बिना स्वार्थ के लोगों के हित में किया। तो ये लोगों का एकता मंच पर एक विश्वास है और उस विश्वास के साथ इतनी तादाद में लोग उपस्थित होते हैं। क्या मैसेज है वैसे आपका शॉर्ट में आ जाए शहर के लिए, क्या मैसेज है इस मौके पर? जैसे अपन कहते हैं कि पर्यावरण का देखभाल करना, एनवायरनमेंट के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझना, तभी तो देश बचेगा। क्योंकि आज जैसे हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, इट इज़ नॉट ग्लोबल वार्मिंग, इट इज़ बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग। क्योंकि क्या है, अगर आप देखें जिस तरह से हम लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे पोल्यूशन सब देख रहे हैं, कुछ कुछ चीज़ें जैसे अभी शिंदे साहब ने कहा कि अगर हम लोग थोड़ी थोड़ी भी अगर हमारा योगदान रहा तो यकीनन हम अपने एनवायरनमेंट के प्रति इसका बहुत बड़ा योगदान कहलाएंगे। मला हेच वाटतं, हेच फार मजाक वाटतं, से नो टू प्लास्टिक हे आपण करून काय उपयोग आहे? स्ट्रॅटर्जीमध्ये आहे का? प्लास्टिकच जन्माला आलं नाही तर आपण कशाला वापरणार? मग आपण काय करतोय की आपण प्रॅक्टिकली नाही करू शकत प्लास्टिकला नो, तर कसं आणता येईल? ह्याचं स्ट्रॅटर्जिकली डिसिजन झालं तर तो फरक होईल। इथं आपल्याकडे काय करून उपयोग आहे? तसं तू काय बोलत होता? राहिल्या आतापर्यंत पावसाच्या राजकीय रॅली निघाल्या आहेत, खूप फास्ट झाल्या आहेत, पण आजची पावसाची रॅली एन्व्हायरमेंटसाठी निघाली नाही। एन्व्हायरमेंटच्या रॅली ही लोकांना इथं झाड लावलं पाहिजे, इथं पर्यावरण लावलं पाहिजे, पण शहरामध्ये ती चेष्टा चालल्यासारखं वाटतं। आपण कसं जगतो आहे, आपण पर्यावरणाला पूरक काय जगतो आहे का, आपण जगू शकतो का? आपल्या आजूबाजूला नद्या होत्या त्याचं काय झालं, आपल्या आजूबाजूला झाडं होती त्याचं काय झालं, आपल्या आजूबाजूला पक्षी होती त्याचं काय झालं, हे सगळं विसरायचं आणि बोलायचं काय तर कसं कसं चांगलं झालं पाहिजे, हे चांगलं पाहिजे, आपण किती खोटारडे आहोत। तर त्यामुळं प्रत्येकानं आपल्यापुरता विचार केला दुसऱ्याला सांगण्यापेक्षा की यार माझ्या डोळ्यासमोर माझ्या एवढी वया झाडं लागणं, मी स्वतः काय काम करणं, तर ते मला वाटते बरोबर होईल। आणि आता तर जून जुलै ऑगस्ट म्हटलं तर ऋतूच येईल आता ह्याच्या ठिकाणी फोटोचा आणि झाडं लावण्याचा आणि ते दाखवण्याचा। जी साहब से एक सवाल है, सर ने भी कहा एक ऑप्शन दिया कि विलेजेस में जाके झाड़ लगाए तो ज़्यादा एक बेहतर चीज़ है, आप आइए कुछ सर के साथ करने वाले से कुछ प्रोजेक्ट्स आगे नहीं? जैसे उन्होंने कहा कि 5,000 झाड़ बच्चों की तरफ से अगर लगाया जाए तो जैसे हम झाड़ों का जैसे एक बर्थडे मना सकते हैं हर साल, और बच्चों में मुझे लगता है उससे ज़्यादा बच्चों में छोटे से उम्र से उनको एक पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझेगी वो, इसलिए जो जागरूकता वो बच्चों से फैलाना चाहते हैं। यकीनन जब बच्चा छोटे से उम्र से ही जब वो इन्वॉल्व होगा और वो ध्यान रखेगा या वो समझ पाएगा पर्यावरण के प्रति, बड़ा होकर वो अपने आप ही उसका देखभाल कर पाएगा। आज के एनवायरनमेंट को लेकर सर क्या कुछ कहना चाहते हैं जी? सर क्या कुछ बदलाव होना चाहिए प्लास्टिक के लिए स्पेशली, तो बैन लगाना चाहिए जो बार बार ज़्यादा हटाती है लगाना, क्या कुछ कहना चाहिए? स्ट्रैटेजिकली डिसीजन अपन इधर बैठ के बोल के कुछ लेके कुछ फ़ायदा नहीं, जो चुन के देते हैं वो बैठ के उनके जो एडवाइज़र होते हैं वो करते हैं, तो अपन देखते कि एडवाइज़र भी एडवाइज़र एडवाइस करने के लायक होते हैं या नहीं, यहाँ से शुरुआत होती है। वो अपने अपने लोग आते हैं, वो अलग बाग, उसके बारे में अपन सोचे मत, क्योंकि ये लोकशाही है, उसमें डिसीजन कौन लेता है, स्ट्रैटेजी कौन बनाता है वो अलग बात है। अपन इतना सोचना चाहिए कि मेरे से मैं क्या शुरुआत करता हूँ, इसलिए मैं बोला कि मैं आज इधर आया हूँ, इनसे मैं बात करूँगा कि मुझे बुलाया है ना, तो चलो आपके स्टूडेंट आपके पेड़ इतना 5,000 से शुरू कर दे, 500 से शुरू कर दे, तो प्रैक्टिकली डिसीजन चेंज होगा खुद के बदलने से। दूसरा बदलना चाहिए, दूसरे ने करना चाहिए, ये बहुत दूर का रास्ता है। सर तुम्ही एक आता सांगले स्टेजवर की ॲडमिशनच्या वेळेला जन्म दाखल्यासोबत एक फी सुद्धा घेतली पाहिजे, त्या संदर्भात सरकारकडे तुम्ही काय कशा प्रकारे पाठपुरावा करताय, काय मागणी करताय? नाही, मी माझ्या 2-3 भाषणात सांगितलं, मी एज्युकेशन मिनिस्टरना भेटलो, त्यांना पण सांगितलं हा चांगला विचार आहे, आपण बोलूया, घेऊन द्या, मग होईल। अजून ते
कशा पद्धतीने पुढे जाईल मला माहिती नाही, पण नुकतंच माझी एक शरद पवारांच्या बरोबर मीटिंग झाली तर त्यांनी सांगितलं की तो दिसेल होईल तेव्हा होईल, पण त्यांच्या रयत शिक्षण संस्थेमध्ये होऊ शकेल तर आपण रयत शिक्षण संस्थेत आम्ही गेलो. तिथं चंद्रकांत दळवी नावाचे आत्ताचे नवीन ॲडमिनिस्ट्रेटर आहेत, तर आम्ही प्रत्येक शाळेला मुलांना एक बी एक त्याचंच झाड पौधा रोप आणि पुढचं झाड इथपर्यंतची सिस्टीम तयार करण्याचा प्रयत्न करतो. एक आयडियल कुठेतरी होईल आणि ते पुढे महाराष्ट्रात लागू व्हावं, भारतात लागू व्हावं असा विचार आहे. म्हणजे सीड बँक, वृक्ष बँक आणि देवराई एवढ्या तीन स्टेज जपल्या की बऱ्याच गोष्टी सोप्या होतील. मुलांना परत पर्यावरण वेगळं शिकवायची गरज नाही. मेरा कुछ मतलब स्टडी नहीं है, मैं इतना होशियार नहीं हूँ कि मैं उसका उसके बारे में कुछ बोल सकूँ, लेकिन इंडिया की तरफ से कुछ अच्छा हुआ तो मेरे लिए बहुत खुशी. थैंक यू एवरीवन.